बोलिए सद्गुरुदेव की, भक्त मंडली की, आज के आनंद की। जह जाना तह निकट है, रहा सकल घटपूर, बाड़ी गर्भ गुमानते ताते पड़ गयो दूर। परमात्मा की खोज इंसान कर रहा है। मैंने एक बात कई बार बोली है, जो भी किसी भी कोण से भक्ति करने वाला है वो उत्तम है, उसमें आस्था है, उसमें भरोसा है। बंधु, पर हमें ये जानना होगा किस भक्ति से क्या प्राप्त होने वाला है। सभी भक्तियों की अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग प्राप्तियां हैं, अलग अलग विधियां हैं। मूल रूप से हमारे देश में दो भक्तियां प्रचलित हैं। हम आदि की तरफ चलते हैं तो हमें एक दिशा मिलेगी। आखिर भक्ति का प्रारंभ कब हुआ? कैसे हुआ? किसने किया? भक्ति चीज क्या है? साहब कह रहे हैं, भक्ति भक्ति सब जगत बखाना। दुनिया भक्ति बोल रही है, पर भक्ति भेद कोई बिरला जाना। आगे भक्त भय भव भारी, करी भक्ति पर युक्त निधारी। बहुत भक्त हुए, भक्ति की, पर तरीका नहीं था। शिव गोरख और बहुलटधारी, माया ने सबको ठग डाली। हाँ साहब कह रहे, सबको ठगा। आदि मानव ने जब इस ब्रह्मांड को देखा तो उसके हृदय में जरूर भाव उत्पन्न हुआ होगा, ये सब कैसे उत्पत्ति हुई। डॉक्टर सैमुअल के अनुसार इस ब्रह्मांड को बने 500 करोड़ साल हुए, ये उनकी गणना है, वैज्ञानिकों की। साहब का मत अलग है। चलो 500 करोड़ साल ही थोड़ी देर मानते हैं। मैं अगर आपको 60-70 साल पिछली बात बताऊं तो आदमी बहुत ही अलग थे। इस 18 अप्रैल को मैं 70वां जन्मदिन मना रहा हूं, तो जो अपने बुजुर्ग चाचे ताए बड़े बुजुर्ग देखे, क्या लोग थे, बहुत सरल थे। उनमें कोई छल कपट नहीं थी, झूठ बोलते ही नहीं थे, आता ही नहीं था झूठ बोलना। जब 60-70 साल पहले का इंसान इतना अजीब था, 60-70 साल के अंदर इतना परिवर्तन आया, तो इस लंबे समय में तो इंसान में बहुत बड़ा परिवर्तन आया होगा। जब इस ब्रह्मांड को देखा तो इंसान के अंदर ख्याल आया, ये किसने बनाया। स्वाभाविक है, ये संसार रहस्यमय है। आज भी इस संसार के बारे में बड़े बड़े वैज्ञानिक बुद्धिजीवी रिसर्च कर रहे हैं,
पर इसका भेद नहीं ले पा रहे हैं। नित्य नए नए वैज्ञानिक लोग अलग अलग अपनी धारणाएं बोल रहे हैं। आइए देखें ये ब्रह्मांड को समझें क्या है। जो हम प्रकृति देख रहे हैं, विश्व देख रहे हैं, जो गोचर है, ये क्या चीज है? ये पांच तत्व है, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। यही तो इस ब्रह्मांड में है। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये कहां से आए, ये क्या चीज है, इस पर अभी तक भी बड़े बड़े वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। शास्त्र कह रहे हैं यपिंडे सब्रमंडे, पिंड और ब्रह्मांड की संरचना एक जैसी है, दोनों एक जैसे हैं। इस पर साहब ने अपना सिद्धांत रखा, अबधु अंध धुंध अंधियारा इस घट भीतर, इस घट भीतर नौ लख तारे यही में सूरज चंदा, इस घट भीतर बाग बगीचे यही में सीजन हारा, इस घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव शंकादि अबारा, इस घट भीतर सात समुंदर यही में नदियां नारा, इस घट भीतर वन और बस्ती यही में झाड़ पहाड़ा, इस घट भीतर देवी देवा यही में तीर्थ सारा, इस घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव शंकादि अपारा, इस घट भीतर तीन लोक हैं यही में है करतारा, कहत कबीर सुनो भाई साधो यही में गुरु हमारा। ये पूरा ब्रह्मांड इसमें है। आजकल हम वैज्ञानिक युग में हैं, भारत में करीब 90% लोग नेट का यूज कर रहे हैं। आपके पास एक छोटा सा मोबाइल है, एक ऐप है, आप उसी में देखो पूरा विश्व है। आप उसमें अपना घर भी देख सकते हैं, हमारा गोंडा आश्रम भी देख सकते हैं, अखनूर आश्रम, रांझड़ी आश्रम, आप सब देख सकते हैं। इतने से में रहस्य क्या है? इसी तरह ये पूरा ब्रह्मांड आपकी मस्तिष्क में है। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं पग पाताल शीश अजधामा अपर लोक अंगम विश्रामा, पूरा ब्रह्मांड इसमें है। खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया, जगत की भ्रमना दूर भागे, यह पिंडे सब ब्रह्मांड। इतने से मोबाइल के अंदर पूरा विश्व है, सात समुद्र भी है, पूरे दुनिया के 200 कुछ देश है सब है। ये काया है समृत तेरी, काया की गत कावन है, क्योंकि ये कंसर्न एजेंसियों से जुड़ा हुआ है मोबाइल, फेसबुक वालों से, व्हाट्सएप, यूट्यूब आदि। इस तरह ये तन मामूली नहीं है। तो इन पांच तत्वों की पहले खोज हुई, चलो हम इन तत्वों को देखते हैं। पहले हम पृथ्वी से चलते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति जल से है और महाप्रलय में भी जल पृथ्वी को अपने में लीन कर देते हैं। अगर आपको आजमाना है तो एक बाल्टी में आप पानी भर करके रख दें, हिलाएं डुलाएं नहीं, तो सबसे पहले क्या होगा, पानी नीला होने लगेगा दो चार महीने बाद। आप डैम्प्स हैं उनमें भी देखना, उसका पानी नीला है क्योंकि संग्रहित किया गया। गंगा जी का जल सफेद है, यमुना का जल नीला है। जब लोगों से पूछा जाता है तो कहते हैं शेषनाग के विष के कारण यमुना जी का जल नीला है,
सच्चाई ये नहीं है। गंगा जी मैदानी इलाकों से बहती हुई आती है, जमुना आगरा से उधर बीहड़ उस साइटों में चली जाती है, तो वहाँ बीहड़ है, छोटी छोटी टापू और पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पानी गहराई में रहता है, स्टोरेज रहता है, इसलिए वो पानी नीला हो जाता है। नीला होने के बाद पानी के ऊपर काई आएगी, काई आ जाएगी, आप काई को उठाकर देखना, वो धीरे धीरे पृथ्वी बन जाती है। इस तरह पहले जल ही जल था, कई करोड़ साल बाद फिर ये पृथ्वी, ये जल की काई है। जल क्या है? जल की उत्पत्ति अग्नि से हुई, सूर्य से। सूर्य क्या है? वायु। इसलिए वैज्ञानिक एक तथ्य पर पहुंचे हैं कि सूर्य की एक गैसें हैं और पृथ्वी सूर्य का अंश है, एक टुकड़ा है, टूट गया है। इसलिए देखो पृथ्वी में भी गैसेस निकल रही है जमीन से। तो यानी अग्नि का आधार ही गैस है, सूर्य गैसेस है। नेट में देखो सूर्य क्या है, वहां क्या है, गैसेस है। इसका मतलब है अग्नि की उत्पत्ति वायु से है, ये सिद्धांत वैज्ञानिक मानते हैं। ओजोन परत जो है सूर्य की जहरीली गैसों को डाइवर्ट करते हैं। क्या है? है ना, पक्का? आइए, इसलिए धरती के अंदर अभी गैस निकल रहे हैं, देखो जो आप जला रहे एलपीजी गैस वगैरह, क्योंकि उसका टुकड़ा है। और वायु की उत्पत्ति किससे हुई? आकाश से। आकाश कहां से आया? शून्य से। शून्य कहां से आई? एक स्पिरिचुअल वेब से। इसलिए साहब कह रहे हैं सुरत स्वरूप हमें ही सबकी ना। ये पूरा ख्याल उसका है। मैंने एक बात कई बार बोली है, फिजिक्स और वैज्ञानिकों का मत है पार्टिकल कन्वर्ट इन वेब एंड वेब कन्वर्ट इन पार्टिकल। आप देखो आग जो जलती है उसके बाद मैं देखता हूँ कैसे वेब, एक आप गर्मी में सड़कों पर देखते हैं तो एक लावा सा निकलता है, एक वेब होती है। इस तरह ये सिद्ध हो रहा है कि किसी वेब ने इन पांचों को सृजित किया है। वही बात साहब कह रहे हैं शून्य में रचो संसारा, वो वेब साकार नहीं है पर पांचों तत्व तो साकार है। मैं उदाहरण देता हूं, आपके मोबाइल में भी आप देखे, आपके स्मार्टफोन में वेब्स आते हैं। मैं यहां बैठा हूं, ये लाइव प्रोग्राम भी टेलीकास्ट हो रहा है, ये अमेरिका में भी चल रहा है, ब्रिटेन में भी चल रहा है, यूरोप में भी चल रहा है, वहां बैठे लोग देखते हैं। परसों मैंने एक प्रोग्राम दिया था, उसको 13,000 लोगों ने देखा था फेसबुक पर, उसमें फौरन फिगर आ जाता है, आता है ना, कितने लोग विंडो ओपन किया, 13,000 लोगों ने विंडो ओपन किया था। जब 13,000 लोगों ने वो प्रोग्राम विंडो ओपन किया तो एक नहीं देख रहा होगा वहां, 10 10 5 5 भी होंगे। एलसीडी में देखते हैं प्रभाव
इसका मतलब है लाखों लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं अभी। ये वेब का कमाल है, एक यंत्र बनाया, ऐसा ऐप बनाया जो वेब को फिर तत्वों में बदल रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरी ये फोटो यहाँ से उड़ती हुई अमेरिका जा रही है, ऐसा होना था तो फिर फोटो ही फोटो होना था। वैज्ञानिक लोग काफ़ी अच्छी खोज कर रहे हैं पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, ब्लैक मैटर इज द बेस ऑफ द क्रिएशन। दुनिया के अंदर वो बोल रहे हैं मोर देन 90% इज अ ब्लैक मैटर। ब्लैक मैटर क्या है, ये पांचों तत्व है। वो क्या है साहब ने पांचों तत्व पर बोला, पीलो रंग है पृथ्वी को, मीठो इसको स्वाद धरती का रंग पीला, और श्वेत रंग है नील को, खारो इसको स्वाद, इसका स्वाद खारा है। हरो रंग है वायु को, खट्टो या को स्वाद, लाल रंग है अग्नि को, तीखो चरपरो स्वाद, कालो रंग आकाश को, फीको या को स्वाद। ये पांच तत्व है, इन्हीं से सब कुछ बना, पांच तत्व से। पहली बात यह है कि वैज्ञानिक लोग ये पांचों साकार हैं, भौतिक तत्व हैं, गोचर हैं, लेकिन दुनिया के कम लोग जानते हैं कि ये पांचों गोचर हैं, दिखते हैं। मैं लोगों से पूछता हूं लेकिन वो सवाल जवाब बड़ा अटपटा देते हैं। पहला पृथ्वी तत्व, हाँ दिख रहा है गोचर है पीला है, नक्शे में भी धरती को पीला दिखाते हैं, और बच्चे मिट्टी खाते हैं क्योंकि इसका स्वाद मीठा है। श्वेत रंग है नीर को, खारो इसको स्वाद, जल का रंग श्वेत है सफेद है, इसलिए ऊपर आकाश से देखना तो आप पहचानेंगे। दूसरा, अगर आपके सामने हम दही रखें वो भी तरल है, जूस रखें वो भी तरल है, और दूध रखें वो भी तरल है दिखता है, पानी रखें वो भी तरल है, तो आपने पानी को आइडेंटिफाई किससे किया, रंग है ना, तभी तो किया ना। पर वैज्ञानिक कह रहे हैं रंगहीन गंधहीन स्वादहीन है, नहीं उनका ये मूल्यांकन गलत है। पानी रंग है स्वाद भी है पर गंध नहीं है, लेकिन जब ये सड़ जाता है तो इसमें फिर गंध भी आएगी। मैं कहता हूँ तीसरा, बोला अग्नि तत्व, मैं बोला हाँ हम जानते हैं दिखाओ, भाई अग्नि जल रही हम जानते हैं। मैं कहा वायु दिखाओ, तो क्या कहते हैं पता है, वायु दिखती नहीं है पर वो देखो पेड़ हिल रहा है ये वायु है। मैं बोला नहीं ये साकार है, ये पंचभौतिक तत्व, भौतिक किसको कहते हैं, वो एलिमेंट जो दिखते हैं, कभी कभी साफ मौसम में देखते हैं चारों तरफ आपको नीला नीला दिख रहा है ये वायु है। आसमान ऐसे छतरी की तरह झुकाएं क्या, बस आपकी निगाह, ये वायु सामने से नहीं दिखेगी कोहरे की तरह, दूर से दिखेगी आपको वायु है, ये वायु है। देखा साकार, पांचवा आकाश तत्व है। साहब कह रहे कालो रंग आकाश को, फीको इसको स्वाद, आपको आकाश तत्व तो दिखाता हूं, घोर अंधेरे में बैठ के देखना आकाश तत्व की घुमड़ियां आपको दिखेगी आंखों के आगे, ये आकाश तत्व है। अंधकार, ये पूरा ब्रह्मांड ही अंधकार में है आकाश तत्व से, और आकाश की उत्पत्ति शून्य से, शून्य की उत्पत्ति शब्द से है। इसलिए कह रहे हैं साहब, कह रहे हैं सूरत रूप हमें सबकी ना, शब्द है धरती शब्द शब्द आकाश, शब्द है शब्द भरा प्रकाश, सकल सृष्टि है शब्द के पाछे, नानक शब्द भरा आछे। साहब कह रहे शब्द से भयो सतन नाकारा, शब्द का है सब सकल संसार। शब्द परमात्मा के मुख से हुआ। इस तरह से अनुराग सागर के अंदर भी सृष्टि के सृजन के बारे में लिखा हुआ है, पूरा विवरण है उसके अंदर। तो लोग जब सृष्टा को नहीं समझ पाए, इन पांचों तत्वों को देखा,
इनों पांचों तत्व की आज भी बदस्तूर पूजा होती है। इंसान ने पांचों तत्व की पूजा शुरू की। देखो वंदे मातरम धरती को कह रहे, इसी से सब कुछ निकल रहा है। कहा यही आधार है, कुछ पृथ्वी को ही मानने लगे, कुछ जल को। आज भी जाएं गुजरात में जल की बड़ी उपासना होती है, जल ही जीवन बोलते हैं, जल देवता हम बोलते हैं। कुछ पवन को मानते हैं, वायु पवन देव प्राणों का आधार है, और कुछ अग्नि को मानते हैं, अग्नि की पूजा भी करते हैं, हवन करते हैं, अग्नि जलाते हैं। पारसी लोग भी अग्नि की पूजा करते हैं। कुछ आकाश तत्व की पूजा करते हैं। आप देखते हैं खिलाड़ी जीतने के बाद आकाश की तरफ देखते हैं, कुछ शून्य की उपासना करते हैं। तो इन तत्वों की पूजा होने लगी। आदमी तत्व के आगे का रहस्य नहीं जान पाया। इस तरह से उन शब्दों से पांचों तत्व हुए। अब साहब क्या कह रहे हैं, अब कुछ लोग इन क्या करने लगे, उनको छोड़ दिया, तत्वों को निर्गुण भक्ति करने लगे पांच नाम की, क्योंकि ये तत्व इन शब्दों से उत्पन्न हुए। साहब वाणी में कह रहे हैं, प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन पांच शब्द उच्चारा, सोहं सत ज्योति निरंजन कहिए रंकार ओंकारा। शब्द ही सर्गुण, शब्द ही सर्गुण हुए, शब्द ही निर्गुण, निर्गुण भी शब्द हैं, शब्द ही वेद बखाना, शब्द ही पुन काया के अंदर कर बैठा अस्ताना। जो जाकी उपासना किया उसका कहूं ठिकाना। अब साहब क्या कह रहे हैं, ये पांच शब्द, अब साहब कह रहे हैं रणकार से आकाश तत्व उत्पन्न हुआ, सोहंग से वायु तत्व उत्पन्न हुआ, ज्योति निरंजन से अग्नि तत्व उत्पन्न हुआ, सच सबसे पृथ्वी तत्व उत्पन्न हुआ। आम सबसे जल तत्व की उत्पत्ति, ये पांचों तत्व उत्पन्न हुए। सर्गुण निर्गुण एक ही जानो, झूठा सकल पसारा मानो। अब देखो कुछ लोगों ने क्या किया, इनसे जो तत्व पैदा हुए उनकी भक्ति की। उदाहरण के लिए सोहंग से वायु उत्पन्न हुई तो वायु की भक्ति करने लगे, कुछ फिर वो सिर्फ सोहंग शब्द की भक्ति करने लगे, कुछ आकाश तत्व की भक्ति करने लगे निराकार की, कुछ रणकार शब्द को ही पकड़ लिया क्योंकि रणकार से पृथ्वी बनी है, कुछ ओंकार की भक्ति करने लगे, कुछ जल की भक्ति करने लगे, कुछ ओंकार को पकड़ा क्योंकि ओंकार से जल की उत्पत्ति। तो साहब कह रहे हैं सर्गुण निर्गुण एक ही जानो, झूठा सकल पसारा मानो। ये वैसे ही है, जो पढ़ा लिखा है वो कह रहा है, वो थोड़ी कहते हैं कैसे कमल नहीं बोल रहे, लेकिन जो अभी नौसिखिया बच्चा है वो कहता है क्या कमल वाली, वो कह रहे हैं क्या कमल वाली। इस तरह सर्गुण निर्गुण एक नहीं हुआ, पर इसकी व्याख्या लोग नहीं दे रहे हैं। अब साहब कह रहे हैं प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन पांच शब्द उच्चारा, सोहंग ज्योति निरंजन कहिए रणकार ओंकारा। शब्द ही निर्गुण, शब्द ही सर्गुण, सर्गुण भी शब्द ही है, शब्द ही वेद बखाना, वेद भी है।
जो जाकी उपासना किया उसका कहूँ ठिकाना। अब साहब ये कह रहे हैं जो इस ये निर्गुण उत्पन्न किए उनका भी थे, सर्गुण तो पूरी दुनिया कर रही है, इसका भी आधार है। अब कह रहे हैं जो इसका प्रारंभ किया उसका सुनो, जो जिसकी भक्ति स्टार्ट किया, ज्योति निरंजन चाचर मुद्रा सोहे नैनन माही, जिसको जाना गोरख योगी महातेज हो जाए। गोरखनाथ जी ज्योति निरंजन की उपासना किए, अभी भी योगी कहते अलग निरंजन, और चाचरी मुद्रा में यहाँ कंसंट्रेट हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ पांचों तत्व बॉडी के अंदर हैं, पृथ्वी तत्व मूलाधार चक्र पर है, इसलिए आप कुछ भी खाएंगे व्हाइट खाओ टूल आपका येलो होगा, आपने सफेद चावल खाए टूल आपका येलो आया, वहाँ पृथ्वी तत्व के कारण। और यूरिन ग्लेडर में जल तत्व है, चाहे आप कोका कोला पियो चाहे जूस पियो आपका यूरिन वाइट ही आएगा, वहाँ जल तत्व है, नाभि में वायु तत्व है, वायु तत्व है। जिस संरचना से ब्रह्मांड खड़ा है वैसे ही काया भी खड़ी है, गैस पेट में ही बनेगी। यहाँ एक सिस्टम है, हम जो सांस लेते हैं यहाँ 10 वायुओं में बदलता है, फैक्ट्री है नाभि में, अपान समान उदान प्राण सर्वतन प्राण देवतत् किरकिर नाग धनंजय सबल। भाई देखो एक गाड़ी बनी, गाड़ी इंसान की नकल है, जैसे इंसान बना वैसे ही इंसान की नकल पर गाड़ी बनी है, हेलीकॉप्टर गिद्ध आदि भृंगी के नकल पर बनी है, और हवाई जहाज पक्षी गिद्ध चीलों इनके बना, उनको देखकर बने। अब देखिए गाड़ी में दो आंखें हैं, आदमी में उसको दो आंखें दी है रात में देखने के लिए, आदमी को टांगे हैं उसको पहिए दिए, आदमी में वायु से शरीर चलता है, वैसा ही फ्यूल जल करके पंप से पिस्टन को धक्का मारता है। आदमी को डाइट चाहिए, इसी तरह गाड़ी को भी फ्यूल चाहिए, बिल्कुल ये इंसान के ऊपर बनाई गई है। गोरखनाथ ने ये उपासना शुरू की, इसलिए उनका उद्घोष क्या है, अलग निरंजन। योगी किसी देवी देवता को नहीं मानता है, उनका लक्ष्य है तुम्हारे अंदर शक्ति है इसको जगाओ। ओमकार भूचरी मुद्रा त्रिकुटी है स्थाना, व्यास व्यास देव तह को पहचाना, चांद सूरज हो जाना। व्यास जी ने ओम का प्रारंभ किया है, वेद भी वो लिखे हैं, इसलिए वेद की हर ऋचा के आगे ओम है, गायत्री में ओम भूर्भुवस्वः है। इसी प्रकार अब तीसरा नाम कह रहे हैं सोहंग शब्द अगोचर मुद्रा, भवर गुफा अस्ताना, सुखदेव तिसको पहचाना सुनानत की ताना। शून्य से श्वासा उठ रही है वहीं शब्द भी हो रहे हैं, इसलिए शब्द सुरत अभ्यास करते हैं सोहंग शब्द जापने वाले, वो कहते हैं ये धुने ही सच्चा परमात्मा है, आज भी ऐसा कह रहे हैं लोग। सत सब सो उन्मन मुद्रा सो प्रकाश नहीं, जिसको झिलमिल ज्योत दिखाना जाना जनक विधि। राजा जनक वहां तक जाते थे सहस्त्र साल उन्होंने प्रारंभ, लेकिन फिर क्या हुआ, राजा जनक को फिर अष्टावक्र की तरफ जाना पड़ा, और सुखदेव क्या हुआ, उन्होंने ये थ्योरी निकाली सूरज शब्द अभ्यास की, वो खुद फिर जनक का को गुरु बनाना पड़ा, गोरखनाथ जी को फिर साहिब के पास आना पड़ा। रणकार खिचड़ी मुद्रा दसवां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ले रणकार पहचाना,
और अहंकार, पांच शब्द, पांचों मुद्रा, यह निश्चय कर माना। अब निर्गुण भक्ति वालों ने इन पांच नाम पांच मुद्राओं को ही, निर्गुण भक्ति में यही पांच मुद्राएं हैं। निर्गुण भक्ति वाले न तो कोई पत्थरों को पूछते हैं, न पानी को पूछते हैं, न पहाड़ों को पूछते हैं, न मूर्तियों को पूछते हैं, वो कह रहे हैं अपने अंदर ध्यान। ये परंपरा हमारे देश में भी है, इसलिए दो धाराएं सगुण निर्गुण, और टकराव भी होता है सनातनी और आर्य समाजियों में भी टकराव होता है, और सगुण निर्गुणवादियों में भी टकराव होता है। धर्मांधता, धर्म ठीक है, धर्मांधता खतरनाक है। इस समय विश्व धर्मांधता के माहौल से गुजर रहा है। आइटम बम का कोई खतरा नहीं है, धर्मांधता मानव को खत्म कर रही है। सबसे ज्यादा आदमी इसी धर्मांधता से मारे गए हैं। आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूं, वो परे हैं। साहब अपने दोहे में कह, सृजनहार ने ब्याही सीता, करते कंस न मारा। उस परमात्मा ने कंस को नहीं मारा। गोपी ग्वाल ने गोकुल खुला, नहीं कर हरना कर संगारा। है प्रतिपाल सबिन को, साहेब कहो कौन को मारा। बिना विवेक के ये जग संतो, माया ने है भरमाया। ये दूषित माया के कारण सभी काम हुए। द्वापर देख कृष्ण की रीति, धर्मन परखो नीत अनीति। अर्जुन को तिन दया धड़ाया, दया धड़ाए पुन घात कराया, दया धड़ाए पुन घात कराया। गीता पाठ के अर्थ बताया, पुन पाछे को दोष लगाया। कोई सरगुण में जीत रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुंह से कहीं न जाए। ये पद्धति वेदों से प्राप्त हुई। इस तरह सरगुण में पांच तत्व की उपासना है, निर्गुण में भी पांच तत्व की उपासना है, और इन पांच शब्द पांच नामों पर पूरी भक्ति है। तो साहेब वाणी में कह रहे हैं, उन्होंने फिर क्या दिया विश्व को, सरगुण निर्गुण से परे की धारा दे दी। बड़ा अद्भुत कहा, कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुझसे कहेंगे। मैं देखता हूं इस समय वर्तमान में कबीर साहब भक्ति के पठन पर कहां हैं। आज उन पर बड़ा मंथन हो रहा है। मैंने मगहर में भी यह तत्व उठाया था। आइए, उन्होंने निर्गुण सरगुण से परे एक धारा दे दी, लेकिन अफसोस बुद्धिजीवी लोग भी ये नहीं जान पा रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी BSU में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष थे, वो क्या लिख रहे हैं, कबीर साहब निर्गुण उपासक थे। नहीं, उन्होंने एक शब्द अच्छा बोला, नूना दास कबीर ने बचा खुचा वो सूर, बीन मान तुलसी लियो अब बीने सुकूर। परमात्मा के बारे में जितना बोलना था वो कबीर साहब बोल के गए। प्रथम संत सदगुरु हैं, संतत्व की धारा उन्हीं से चली। गोस्वामी जी तो उनसे 125 साल बाद में आए, नानक देव जी 57 साल बाद में आए। संतत्व की धारा ने जो चीज दी वो बड़ी महान है, उसे समझना। नूना दास कबीर ने बचा खुचा सो सूर, अरे बीन मान तुलसी लियो अब बीने सो कूर। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं परमात्मा के विषय में जो खेती थी वो पूरी नूना काटा कबीर साहब ने काट दी, पूरी सब कुछ कह गए। बचा खुचा सो सूर, जो खेती काटने के बाद एकाध पौधा बच नहीं जाता है, वो सूरदास ने 42 ग्रंथ लिखे चक्षुहीन होने के बाद भी। सूरदास जी ने सूरावली में उसका उल्लेख है। और बीन बांध तुलसी लियो, उसके बाद जो कुछ नीचे नहीं गिर जाते हैं बालियां वगैरह, उसको तुलसी ने समेट लिया। अब बीने सुकूर, अब परमात्मा के लिए जो भी कहेगा इन तीनों की नकल ही करेगा, नहीं तो कुछ नहीं बोल सकता। तो कबीर साहब ने क्या दिया समाज को, राम रही माँ एक है भाई, काहे करत लड़ाई। हिंदू कहे राम राम, मुसलमान रहमाना, आपस में दोनों लड़े राम को ही ना जाना। इस समय दुनिया को एटम बम से कोई भी खतरा नहीं है। भाइयों मैं माफी चाहता हूँ, मैं किसी राजनीति में नहीं, मैं कोई मुलायम सिंह की भाषा नहीं बोल रहा हूँ, मायावती की भाषा नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी की भाषा नहीं बोल रहा हूँ, मैं साहेब की भाषा बोल रहा हूँ। हिंदू कहे राम राम, मुसलमान रहमाना, आपस में दोनों लड़े राम को ही ना जाना। जात पात का चिन्ह न कोई, कैसी दूसर जाति हुई,
जात पात होकर नहीं आए, ये झगड़ा जग में फैला है। मैं यूरोप और ब्रिटेन की बात बताता हूँ, अमेरिका से, वहाँ कोई धोबी जात का नहीं है, वहाँ कोई बढ़ई जात का नहीं है, वहाँ कोई कारपेंटर जात का नहीं है, वहाँ कोई सुनार जात का नहीं है, यहाँ कोई वहाँ कोई स्वीपर जात का नहीं है। जो स्वीपर का काम करता है वही स्वीपर, ऑल आर क्रिश्चियंस। जो धोबी का काम करता है वही धोबी, बाकी कोई बिरादरी नहीं है वहाँ। जो नाई का काम करता है वही नाऊ, बाकी कोई वहाँ नाऊ बिरादरी नहीं। तो साहब कह रहे हैं जन्म से जात नहीं, कर्म से जात है। जन्मते शूद्रम, जन्म लेते ही हम शूद्र हैं, क्योंकि माँ के रज और वीर से और मल द्वार से निकले हैं, इसलिए हमारी देही गंदगी से बनी हुई। कर्म ही से मनुष्य उत्तम होता है। आइए, इस छुआछूत ने, धर्मांधता ने मानवता का बहुत बड़ा नुकसान किया। फिर वो कह रहे हैं जात पात का चिन्ह न कोई, कैसे दूसरा जाति हो। मैं एक गीत कई बार बोला हूँ, मुझे बड़ा प्रिय लगा वो बचपन में सा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा। वाह भाई, न तू हिंदू बनेगा, ये संयोग है। विधायक जी ब्राह्मण घर में पैदा हुए, पंडित जी अगर ये ईसाई के घर में होते थे तो ईसाई, अगर ये मुस्लिम के घर पैदा होते तो खान नारायणोदीन हो जाना था। ये संयोग है, कोई अपनी ताकत से जात पात में नहीं आया है। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू व मुसलमान बनाया। संयोग है, मेरा घर हिंदू संस्कृति में हुआ, थोड़ी देर के लिए सवर्ण बिरादरी में हुआ, तो वो माँ जहाँ मत्था टेकती थी उधर ही लेके गई, वही हमें करना पड़ा। अगर मैं मुसलमान के घर पैदा होना था तो मुझे मस्जिद में ले जाना था और मैं कहना था ला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह, और सरदार के घर पैदा होना था तो मैंने कहना था सत श्री अकाल। ये संयोग है, ये परमात्मा की तरफ से नहीं है। अब साहब क्या करें, जात पात का चिन्ह न कोई, कैसे दूसरी जाति भाई। अरे जात पात होकर नहीं आए, ये झगड़ा जग में फैलाए। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी भाई, और राहत क्यों ना आया। अरे जो तू तुर्क तुर्क नहीं जाया, पेट में सुन्नत क्यों ना कराया। डार जनेऊ पंडित बन बैठा, अरे पंडितानी को क्या पहनाया, सुन्नत कराया, मुसलमान हो बैठा, मुसलमानिया का कटाया। इतना खरा बोल के गए, वो इतना खरा बोले हैं। वैगर वैगर नाम धरा एक माटी के भांडे। मेरा चैलेंज है, मैं 5 जात के बच्चों को रख दूंगा, नवजात शिशुओं को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट, अगर कोई पहचान लेगा इनाम दे दूंगा। ये पाखंड बाद में हमने किया, इधर से दाढ़ी कटा के मौलाना जी बन गए, चुटिया बढ़ाकर तिलक लगाया पंडित जी बन गए, गोल टोपी लंबी पहन गई तो ईसाई बन गए, और सर मुंडाए गए हम मुमुक्षु बन गए तो हम बुद्धिस्ट हो गए। ये सब नाटकबाजी हमने बाद में की। 600वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश शासन ने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, चले। वहाँ बाद में पत्रकार सम्मेलन हुआ, 3 दिन का शासकीय अवकाश था, अभिलाष साहब भी वहाँ गए थे। तो मुझसे एक पत्रकार ने पूछा, महाराज आपके साहेबबंदगी पंथ की उपलब्धि क्या है। मैं कहा 2, पहला कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा। अगर पूरे भारत का भ्रमण करोगे तो कबीर पंथ में सिर्फ पिछड़ी जाति और एससी है। मैंने ये मिथक तोड़ दिया, घमंड से नहीं बोल रहा हूं, मैंने 3 लाख से ऊपर ब्राह्मणों को दीक्षा दी, मोर देन मिलियन लोगों को, मैं 220 आश्रम है भारत में ऐसे, मैं विचरण करता रहता हूँ। मैंने कहा मैंने 3 लाख से ऊपर क्षत्रियों को दीक्षा दी और इतने ही महाजनों को, रामदासियों को, रविदासियों को, वाल्मीकियों को और अन्य को, और इतनी बड़ी उपलब्धि है, सब एक पंक्ति में बैठकर रोटी खाते हैं, कथनी करनी में अंतर है। मैंने कहा हमने ये चीज़ की। तो बंधुओं आगे आइए, उन्होंने कहा
हम सब जब ये आत्मगतम सर्वभूतेषु हमारे वेद कह रहे हैं, कुछ लोग फिजूल बोलते हैं, अटपटा बोलते हैं, मैं वैसा नहीं बोलूंगा। सुनो, पहले विचारो, ठीक किसी को समझो, फिर कहो। मनु सतरूपा ब्रह्मा के पुत्र पुत्री थे, भाई बहन के योग से सृष्टि हुई है, उनका परिवार बड़ा, हम मनुष्य उसी के कारण से कहलाते हैं। दोष किसी को दो, पक्का दो, ऐसा नहीं दो। अच्छा चलो, परिवार बहुत बढ़ गया, पोतरे दो, उस समय आयु बड़ी लंबी थी। अब बीच में देखो, उनके तो तह पर पांचवी पीढ़ी भी आई, अभिमन्यु के पुत्र का क्या नाम था? परीक्षित ना, परीक्षित है ना, ना? परीक्षित, अभिमन्यु दो, अर्जुन तीन, पांडु चार, विचित्र वीर पांच, और छठा वो था भीष्म पितामह। यहाँ नहीं आओ बेटे, चलो अब हाँ जाओ, वहीं से नमस्कार करते। सुनो, तो आयु लंबी थी, प्रारंभ में ऐसे ही था, बहुत पॉपुलर, उनके पोतरे हो गए, तह पोतरे हो गए, फैमिली बहुत बड़ी हुई, और जंगल ही जंगल थे, पशु भी बहुत ज़्यादा थे। मनु के चार पुत्र थे, मनु ने सबको बिठाया, उसी से हम मनुष्य कहला रहे हैं। बोला भाई सुनो, ऐसा करो, अब परिवार बड़ा हो गया, हम चारों को अलग अलग काम देंगे। मैंने भी यहाँ अलग अलग काम दिए हैं, किसी को जमीन की खरीद परोस दिए हैं, किसी को भंडार गृह का काम दिया है, किसी को ये टोपी पहने हुए घूम रहे हैं सुरक्षा का काम दिया है। मनु ने भी जो सबसे विद्वान पुत्र था, अकलमंद था, उसको कहा तुम ब्रह्म विद्या देना, तुम ब्राह्मण। बोला ठीक है। दूसरा बलवान था, शक्तिशाली था, बोला पशु वगैरह जीव जंतु इधर आते हैं, परिवार की सुरक्षा करना, सुरक्षक को, सुरक्षा करने वाले को क्षत्रिय कहते हैं, पहरेदार और रक्षा करने वाला तुम्हारा, ठीक है। एक तीव्र बुद्धि का था। उसके बाद बोला पूरी व्यवस्था भोजन छाजन रहन सहन की करना, वाणिज्य। बोला वैश्य। बोला ठीक है। चौथे को बोला भाई वो भोला था, अच्छा था। बोला तुम साफ सफाई सुरक्षा करना पूरा। बोला ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हम छह भाई थे, दो चले गए, मैंने ब्याह नहीं किया, बाल ब्रह्मचारी, बाकी के बच्चे हुए। अब क्या है बताएं, भाई नहीं लड़ते हैं, पराई जाई लड़ाती है। भाई जब तक शादी नहीं हुई इतना प्रेम से रहते हैं, जब पराई जाई यानी औरत आ गई ना, फिर वो बहुत बड़ा बिखराव हो जाता है। तो बड़े प्यार से रहते थे हम, अब वो एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। उनमें से थोड़ा जो पैसे वाला है वो अपने को सुप्रियर मानता है, जो गरीब है उसको कहता है ये कुछ भी नहीं है। इसी तरह ये अंतर आया, कालांतर में अंतर बढ़ता गया। अरे भाई जो अभी खाली नहीं उतार रहा है उसे क्यों घृणा कर रहा है, उसने तो ये काम नहीं किया। तो इसी तरह से ये आगे आकर के ये बना, परमात्मा की तरफ से बना नहीं था, व्यवस्था के लिए। मैं अपना उदाहरण देता हूँ। एक बार सर्दी में एक ही आदमी है बर्तन मांजता है, किसी और को लगाओ, सात आठ आदमी थे, मैंने कहा इधर आओ। मैंने सात आठों की पहले नज़र पड़ी, मनोवैज्ञानिक भी, मैंने एक आदमी को निकाला, मैंने कहा बर्तन मंजवाना है इसके साथ। बोला ठीक है। वो खुश होकर चला गया। बाकी को मैंने कहा भाइयों सुनो, बुरा नहीं मानना। बाकी के चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट और ज्योति आ गई कि आ इज्जत बच गई, आज गुरुजी ने बर्तन मांजने के लिए नहीं लगाया। मैंने बोला मैं आपको क्यों नहीं बर्तन मांजने के लिए लगाया, वो सुनो, ये नहीं कि तुम बड़े में नहीं हो, गुरु के द्वारे गुलामी अब कर बो, हाँ कर बे, तो यहाँ कोई बड़े में नहीं है, सेवक मैं भी सेवक हूँ, इसलिए कि तुम्हारे आंखों में सेवा की चमक नहीं दिखी, उनकी दिखी, उसको योग्य पात्र माना, समर्पित माना, तुम्हें इतना समर्पित नहीं माना, इसलिए उसको निकाला। इसलिए मनु ने भी देखा वो समर्पित बच्चा है मेरा, पूरे परिवार की सफाई वगैरह करेगा,
धीरे धीरे अंतराल बढ़ता गया, हम नफरत करते गए एक दूसरे। पता है जातवाद के कारण हिंदू धर्म को कितना बड़ा नुकसान हुआ ये कोई नहीं जानता। ये दुनिया का महान धर्म है, क्यों? इसके दो सिद्धांत हैं, सत्य और अहिंसा। इसकी एक मान्यता है ईश्वर है, और इसका एक लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। सत्य और अहिंसा दो इसके सिद्धांत हैं, इसलिए ये महान है। अब क्या हुआ, अजी कालांतर में ये सब चीज़ें बढ़ती गई। अब ऐसा हुआ, कितना इस धर्म को नुकसान हुआ वो सुनो। भारतीय उपमहाद्वीप, ये क्या है भारतीय उपमहाद्वीप सुनो, भारत, बर्मा, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये भारत था। इसको भारत उपमहाद्वीप कहते हैं। इसमें अभी 50 करोड़ मुस्लिम हैं। कहाँ से आए? यदि वो धर्मांतरण कर गए, कोई मुसलमान बन गया, कोई ईसाई बन गया। क्यों गए? इसलिए गए, उन्होंने कहा वहाँ समानता है। डॉक्टर अंबेडकर क्यों बुद्धिस्ट बना? आपके उत्तर प्रदेश में अभी बुद्ध धर्म की का काफ़ी प्रचार है। सबको जबरदस्ती मुस्लिम नहीं बनाया गया, इसलिए वो इस छुआछूत के दुख के कारण से दूसरे धर्म को अपना लिए, उधर चले गए। इसलिए इस धर्म का विखंडन हुआ, छुआछूत के कारण हम राष्ट्रवादी हैं। लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, मैं कहता हम ही हिंदू हैं। हम कह रहे हैं हम ही, क्योंकि मांसाहारी कुतो दया, जो मुझसे दीक्षा लेता है उसको 7 नियम बताता हूँ, सत्य और प्रतिज्ञा कराता हूँ। सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, परस्त्री कमन न करना, चोरी न करना, हक की कमाई खाना, जुआ न खेलना। अब जो मांस खा रहा है उसका हिंदू तो खत्म हो गया। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, इस धर्म में जाने के दरवाजे हमने खोल रखे हैं, आने का दरवाजा बंद है। कोई मुसलमान हिंदू बना? कोई ईसाई 100 लाख में एक बनेगा? वो लड़के मुसलमान है, उसकी दादी नानियां अभी भी मंदिरों में जाती हैं, कन्वर्टी हिंदू। जम्मू कश्मीर का हाल हमसे बेहतर कौन जानता? मुझे 30 साल रिटायर हुए हो गए, वहीं पर हूँ ज़्यादा समय, वहीं। अभी यहाँ तो 2-4 दिन के लिए आता हूँ। हरि सिंह के पास गए, गुलाब सिंह के पास कहाँ से आया जम्मू कश्मीर? महाराजा रणजीत सिंह बहुत योद्धा थे सिखों के, उनके नाम पर रणजीत सागर भी हैं पंजाब में, है ना? अफगानिस्तान तक उनका शासन था, कश्मीर उनके पास था। गुलाब सिंह उनकी सेना में सुपर सालर था, रंजीत सिंह के, और 12.5 लाख में कश्मीर खरीदा। निकालो नेट पर, 12.5 लाख में कश्मीर खरीदा गुलाब सिंह, जो हरि सिंह के पिता थे, डॉक्टर कर्ण सिंह के दादा, आराम से सब रहते थे। बाद में मुगलों का शासन आया, शाहजहां का मुमताज महल के साथ हैं मजार। सही बात ये थी, वहाँ मुगल गार्डन भी है कश्मीर में, मैं वहाँ जाता रहता हूँ ना, तो वहाँ से मुगल रोड अलग है जम्मू से उधर जाने, तो रास्ते में ही शाहजहां की मौत हो गई। जब मौत हो गई तो क्या किया, उनकी आंतें फेफड़े वगैरह निकाले कालाकोट के पास में, उधर दफना दिया, नहीं तो सड़ जाएंगे बॉडी, उस समय कोई एम्बोजमेंट नहीं था। बाकी बॉडी ला करके मुमताज महल के साथ में दफनाई थी। जब इंसान मर जाता है पता है कहाँ से बदबू आती है, आंतड़ियाँ, स्टमक, यूरिन ग्लेडर, ये सड़ जाते हैं, तो वो पूरा मटेरियल निकाल दिया था, फेफड़े फुफड़े, तो वहाँ अभी भी वो हैं लोग जो कन्वर्टी थे, मुसलमान बनाए थे औरंगजेब ने जबरदस्ती। वो हरि सिंह के पास गए, बोला महाराज हम वापस हिंदू धर्म में आना चाहते हैं, हमें तो जबरदस्ती मुस्लिम बनाया था। तो
बोला हम हिंदू बनना चाहते हैं। वो कन्वर्टी जो थे, अभी भी किसी का नाम मनहास है, वो छत्रियों में लगाते हैं, और मोहम्मद शफी पंडित चेयरमैन ऑफ पीएससी थे वो, उसके पीछे पंडित क्यों, पंडित से कन्वर्ट होकर के मोहम्मद शफी बना। राजा हरि सिंह ने कहा ठीक है, अपने संदेश वाहक उन्होंने काशी भेजे घोड़ों पर, जाकर काशी के विद्वानों से पूछ के आओ कि इनको हिंदू बना सकते हैं कैसे, क्या करें इनको हिंदू बनाने के लिए। काशी के महाविद्वानों ने क्या कहा, नहीं अभी मुसलमान बन गया, हिंदू नहीं बन सकता। फिर आज वही लड़ रहे हैं हमसे, क्या था उनको फिर वापस अपने धर्म में लेने का। यानी हमारे धर्म में भगने के रास्ते खुले हुए हैं चारों तरफ, अंदर आने का रास्ता ही नहीं है। और मैंने क्या कमाल किया बताऊं, अहंकार से नहीं बोल रहा, मैंने बहुत मुसलमानों को नाम दिया, दिया है नहीं, सिखों को दिया, 10,000 सिखों को नाम दिया है। मैंने कहा तुम किसी भी धर्म के हो, मुझे इससे मतलब नहीं, मेरा एक लक्ष्य है, 7 नियम की प्रतिज्ञा कर, सत्य बोलना, मांस न खाना, दारू न पीना, पर स्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना। बोला मंजूर है। जब ये 7 नियम अपनाएगा तो वो महान हिंदू हो जाएगा खुद ही, मांस ही नहीं खाएगा, दारू नहीं पिएगा, पर स्त्री गमन नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा। वो इतने डेडिकेट हैं, मुझे कहा कश्मीर में आओ, आपको हम जमीन देंगे, आश्रम बनाओ, मैं जाता हूँ उधर भी, मुझे नेशनल पीस अवार्ड भी मिला है। टेररिज्म के टाइम पर हजारों लोग लेकर शांति यात्रा ले गया था जम्मू कश्मीर, पूरा वो लाल चौक वगैरह सब घूमा था, इसमें भी होगा। तो कहने का मतलब है, साहेब ने आकर के मानवता को स्थापित किया, और क्या दे गए, हे मनुष्य, आज कबीर साहब ने क्या दिया समाज को, कहाँ है वो बताता हूँ। उन्होंने भजन दिए, साखी दिए, दोहे दिए, छंद दिए, उपासना पद्धति दी, और सहज भाषा में अपनी वाणियों को जनमानस तक पहुँचाया। उनसे पहले श्लोक थे, ऋचाएँ थी, तंत्र थे और मंत्र थे। आज जनमानस और नाम का महात्म बोल के गए और गुरु को स्थापित करके गए। तो आज अगर आप देखें, कोई भी तप करने नहीं जा रहा है, उनका ब्रांड चल रहा है, सभी गुरु से नाम लेने जा रहे हैं, दीक्षा लेने जा रहे हैं, ये उनका ब्रांड था। ये संतत्व की धारा 300 साल चली। जिस समय कबीर साहब का आगमन हुआ धरती पर, उस समय भारत का शासक था सिकंदर लोधी, उनको भी दीक्षा दी, वीर सिंह बघेल को दीक्षा दी, काशी हिंदू धर्म की राजधानी है, उसके राजा को साहब ने दीक्षा दी। अच्छा है, अभी भी गवाही मिल रही है कि अपना मगर में समाधि और मजार हैं दोनों, और अच्छा है इतिहासकारों ने इतना तो मजबूरी में लिख ही दिया कि वीर सिंह बघेल उनका शिष्य था और बिजली खान पठान अवध का राजा था, अवध में 17 जिले हैं। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी मूवमेंट चलाई थी। बाद में क्या हुआ, कुछ तबके ने कबीर साहब को ब्लैकआउट किया, भैया न तो मेरा जात जुला है न तो और कोई ऐसी बात है, पर उन्होंने क्या किया, कबीर साहब को जुलाहा बनाया ताकि छोटी जात शूद्र के कान लगो ना भाई। अब कुछ लोग क्या करते हैं, शब्दों को मरोड़ते हैं, कहते हैं शूद्र गवार ढोर पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी गोस्वामी जी, नहीं शब्दों की हेरा फेरी की, गोस्वामी जी ऐसा नहीं बोलेंगे। उन्होंने क्या बोला, आजकल पता है क्या करते हैं मीडिया वाले, अगला पार्ट भी निकाल देते हैं, पिछला भी बीच वाला दिखा देते हैं। उन्होंने कहा क्षुद्र, क्षुद्र किसको कहते हैं, नीच प्रवृत्ति का, डीठ, क्षुद्र वो शूद्र नहीं है, क्षुद्र क्षुत्रान वेदी वो, ढोल पशु नारी, ये क्या नारी को मारने को बोला, नहीं नार पशु, जन दुनिया में कितने लोग हैं, वेद पशु, ज्ञान पशु, नार पशु और पशु पशु, चार पशु हैं। पशु नारी कौन है, जो स्त्री के कहने पर ही चले, अपनी अकल ही नहीं लड़ाए, इतना बस में हो जाए, उसके लिए बोला।
अरे गोस्वामी जी कैसे कह सकते हैं कि जानवर को मारते रहो, वह बोलेंगे। इसको फिर कुछ नेताओं ने क्या कर दिया, पलट दिया, क्योंकि निंदा जो करनी थी, बोला वो तो बोल के क्या है कि नीची जात वाले को मारो छोटों से, कभी नहीं बोला। गोस्वामी जी विद्वान थे तो वो ये बोल के जाएंगे क्या, वो क्षुद्र हैं। क्षुद्र कहते हैं नीच प्रवृत्ति का, क्षुद्रान वेदी भी कहते हैं उसको, वो नहीं समझेगा, डीठ हैं। और नार पशु यानी अपनी बुद्धि नहीं लड़ाए, जैसे वासना के अधीन होकर नारी कहती जाए वही करता जाए, उसको बोला। इन्होंने संधि विषेध कर दिया, संधि विषेध, कहा नारी को भी मारो। केतकी देवी बोल सकते हैं वो ऐसे, गोस्वामी जी ऐसा बोल सकते हैं कि औरत को मारो, पर पूरा भारत यही समझ रहा है, यही भ्रम फैलाया इस तरह साहब के लिए, भ्रम फैलाया ये हरिजन है और ये कुआरी ब्राह्मणी का बच्चा। माघ सुधी एकादश को मैं दुनिया से जाऊंगा। वीर सिंह बघेल भी आ गया, उनका शिष्य था, लाखों शिष्य आ गए। बिजली खान पठान भी आ गया, झंझट हुआ। क्या झंझट हुआ, वीर सिंह बघेल ने कहा इनका संस्कार हिंदू धर्म से करेंगे। बिजली खान पठान ने बोला भाई वीर सिंह बघेल हम गुरु भाई हैं, अगर कबीर साहब तुम्हारा गुरु है मेरा भी मुर्शिद है। उनका अवतरण काशी में हुआ, वहाँ तुम्हारी हुकूमत है और मैं वहाँ दीक्षा लिया, हम दोनों गुरु भाई हैं। अभी अवध में मेरा शासन है और मगर अवध में आता है। बोला अब मैं इनका संस्कार इस्लाम के अनुसार करूँगा। वीर सिंह ने कहा भाई देखो गुरु भाई बात सुनो, अगर कबीर साहब का आपने संस्कार इस्लाम के अनुसार किया तो पूरा मामला चौपट हो जाएगा, ये वैष्णव है और इस्लाम में मांस खाना ही खाना है, इसलिए मुझे हिंदू धर्म के अनुसार इनका संस्कार करने दो। वीर सिंह बिजलीखान पठान ने क्या तर्क दिया, बोला ये कोई बात नहीं, बोला मैं भी मुस्लिम हूँ। अब मैंने यहाँ ये बोला ना तो वो ये दिखाएंगे आगे पीछे का नहीं कि ये मधु खुद बोल रहा है मैं मुस्लिम हूँ, ये करता है काम मीडिया, ठीक है। इतना मैक्सिमम करप्ट मीडिया है हमारे देश में, निष्पक्ष नहीं है। जब दोनों तरफ से बात नहीं, तलवारें तन गई। उस जमाने में कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, यही होता था जिसकी लाठी उसकी भैंस। इतने में साहब ने क्या कौतुक किया, जो न भूतों न वृक्ष थे, आकाशवाणी की अद्भुत प्रकाश हुआ, उठा वो पर्दा, नहीं है मुर्दा है रे मूर्ख नादाना, तुमने हमें नहीं पहचाना। जब चद्दर हटाई तो क्या मिला, फूल। मुसलमानों ने फूल उठाकर मजार बना दी और हिंदुओं ने समाधि, आज भी प्रतीकात्मक वहाँ है। ये तो अच्छा हुआ कि वहाँ वो प्रमाण देकर चले गए, देखो अपन क्या है। आज तक ब्रह्मांड में ये तमाशा कोई नहीं दिखा सका, नहीं तो बता दो कोई, लाखों लोगों के सामने शरीर को छोड़ा और फूल बनाया। उदाहरण तो दो संतो अभिगत से मैं आया, कोई भेद भरम ना पाया। दरअसल खटकर्म की पूरी शिक्षा कबीर साहब ने क्लोज कर दी थी, मनुष्य को रोशनी की तरफ ले चला था, इसलिए 52 लाख लोगों को उस समय नाम दिया था। कितनी बड़ी एक स्कीम चलाई थी, इससे वो डर गए। जिन्होंने अपना व्यापार खोल रखा था इंसान को भ्रमित करने के लिए, उन सब ने उनको ब्लैकआउट किया। समाजवाद के महान निर्माता कबीर साहब थे, उनको अध्ययन करो पता चल जाएगा उनकी आइडियोलॉजी क्या है। वो तीन चीज़ बोल के गए कि एक तो ये देश नाशवान है, उससे परे एक संसार है। इसलिए वो वैज्ञानिक भी थे, महान अध्यात्मवादी भी थे, समाज सुधारक भी थे, संपूर्ण व्यक्तित्व था उनका, पूरी जीवन पद्धति अपनी वाणियों में दे गए हैं हमें कैसे जीना है। हम सब उनको सिर्फ छोटी जात का मान करके साइड कर रहे हैं ना, यही है ब्लैकआउट करना। तो बंधुओं दूसरा नाम, वो नाम वाणी का विषय नहीं, इसलिए गोस्वामी जी में झलक मिलती है कबीर साहब की, ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक वरदान, रामचरित्र सतकोट में लिया मैं शिव जी जान, उस नाम का महात्म। और दूसरा गुरु को बहुत ऊंचा दर्जा दे गए, पर पूरा गुरु हो, ये तीन चीज़ विशेष बोली, समाज का कल्याण किए। मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा, थोड़ा लेट हो गए और थोड़ा प्रसाद लाओ भाई, 2 डब्बे सांसद जी को प्रसाद देना है, MP जी को, और केतकी बहन जी को भी देना है प्रसाद, बाकी सबको प्रसाद उधर ही खिलाएंगे। यथा सभे मान दे आप अमानी, सो मम प्रिय प्राण संप्राणी। अहंकार नहीं करना, सबको सम्मान देना। ऊँचा क्यों बैठा हूँ, मैं नीचे बैठता था पहले, फिर लोग यूं देखते थे, कोई ऐसे देखता था, फिर मैं खटिया पर बैठकर सत्संग करने लगा, फिर और लोग बढ़ गए, अब मैं खटिया पर भी बैठकर पीछे नहीं दिखता था,
फिर ये स्टेज बना दी, अभी और अगर हुआ तो फिर मैं तो मचान बनानी पड़ेगी थोड़ी ऊपर, तो ये तो आपके कारण से ऊपर बैठा हुआ, अपन तो नीचे बैठना है। स्वामी होना सोहरा, दोहरा होना दास, दास बनने में ताकत चाहिए, स्वामी होना तो आसान है। तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। और सुने, 18 अप्रैल को मेरा 70वां जन्मदिन है, तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। और सुने, 18 अप्रैल को मेरा 70वां जन्मदिन है। जम्मू में आए बहुत, उस पूरे विश्व से लोग आते हैं, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, ग्रीस, फ्रांस, पुर्तगाल, यूक्रेन, कनाडा आदि, और यूएसए। तो हंसन मिल हंसन सुखोई, ये बहुत बड़ा आयोजन है, आप सबको निमंत्रण है। और हमने वहाँ बहुत अच्छा इंतजाम किया है, जो विदेशी लोग आते हैं, दूर से आते हैं, उनके लिए बहुत उत्तम व्यवस्था, 400 रूम बनाए मैंने, इतना भव्य, विश्व का सबसे बड़ा आश्रम बना रहा हूँ मैं वहाँ, 400 रूम, रूमों में अलमारी, पलंग है ना भैया, सोफा, ताकि वो विदेशियों के लोगों की रहन सहन शैली अलग है। आप आएँ, आपके लिए अच्छा इंतजाम है वहाँ, हमारे पास 80 गाड़ियाँ हैं, आप स्टेशन पहुँचो, सिर्फ खबर दो, वहाँ से आश्रम तक लाएंगे, जब वापस जाओगे तो भी, और भोजन की व्यवस्था सुपर, जो गए हैं हाथ खड़ा करें, गुरु पूर्णिमा। हाँ भैया जी, कैसी व्यवस्था थी? हाँ हाँ भैया जी, ऐसी व्यवस्था विश्व में कहीं देखी? तीनों टाइम भोजन, कभी भी आओ भोजन। तो ये मैं आपको निमंत्रण देता हूँ।